नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लर्निंग टिप सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग दैनिक लर्निंग टिप्स लाए हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता दैनिक लर्निंग होता क्या है या ये कहाँ मिलता है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं सो वहाँ अपर पार्ट में आपको मिलता है दैनिक लर्निंग। दोस्तों, यहाँ इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड टिप्स मिलते हैं जो आपको डेली रीड करने होते हैं, और उन्हीं को लेकर हम लोग ये वीडियो लेसन आपके लिए बनाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और अधिक मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और नमस्ते इंग्लिश ऐप के अनलिमिटेड अकाउंट को भी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग लाए हैं यूज ऑफ मिस्टर, मिस, मिसेज और एमएस। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, एमआर को शॉर्ट में हम मिस्टर कहते हैं। दोस्तों, मिस्टर इज एन एब्रीविएशन, एमआर इज एन एब्रीविएशन ऑफ MISTER। दोस्तों, फुल फॉर्म होता है मिस्टर, शॉर्ट में एमआर लिखा जाता है और एमआर को भी मिस्टर ही प्रोनाउंस किया जाता है। दोस्तों, मिस्टर एक तरह का एब्रीविएशन है, यानी एक शॉर्ट फॉर्म है। एंड मिस्टर इज स्टिल ओकेजनली यूज्ड एज अ टाइटल फॉर अ बॉय। दोस्तों, मिस्टर यूज किया जाता है मेल पर्सन के लिए, बॉय के लिए एज अ टाइटल। किसी को आपको अगर एड्रेस करना हो तो उसके नाम से पहले हम लोग मिस्टर यूज करते हैं। मिस्टर का मतलब होता है श्रीमान। जैसे हाउ आर यू मिस्टर कुमार, यानी मिस्टर कुमार आप कैसे हो। तो नाम से पहले हम लोग एमआर यानी मिस्टर का यूज करते हैं। ओके, दूसरा है दोस्तों MISS। दोस्तों, मिस का एक तो मींस होता है याद करना, और मिस जो है वो ये नाम से पहले भी यूज किया जाता है। दोस्तों, मिस इज यूज्ड फॉर यंग अनमैरिड गर्ल्स। दोस्तों, मिस यूज किया जाता है यंग और अनमैरिड गर्ल्स के लिए, और वुमन और किसी औरत के लिए भी यूज किया जा सकता है, बट वो अनमैरिड होती है तब। दोस्तों, मिस इज यूज्ड विद कंप्लीट नेम, और मिस यूज किया जाता है कंप्लीट नाम यूज करने से पहले। जैसे मिस नेहा कक्कड़, मिस नेहा कक्कड़। ओके, सो मिस यूज किया जाता है किसी लड़की के नाम से पहले। आई होप यू लर्नड इट। इसी तरह से दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं यूज ऑफ मिसेज एंड एमएस। दोस्तों, MRS, मिसेज इज यूज्ड फॉर मैरिड विमेन। दोस्तों, मिसेज मैरिड विमेन के लिए यूज किया जाता है। मिसेज इज यूज्ड बिफोर सरनेम ऑफ देयर हस्बैंड, यानी हस्बैंड के सरनेम से पहले मिसेज यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हेलो मिसेज शर्मा, यानी हेलो श्रीमती शर्मा। So, दोस्तों, मिसेज का मींस होता है श्रीमती, और ये हस्बैंड्स के सरनेम से पहले यूज किया जाता है। ओके, इसी तरह से दोस्तों, नेक्स्ट है एमएस। दोस्तों, एमएस यूज किया जाता है व्हेन वी डोंट नो मैरिटल स्टेटस ऑफ अ वुमन और गर्ल। जब हमें किसी लेडी का मैरिटल स्टेटस नहीं पता हो तो ऐसे में हम लोग एमएस यूज करते हैं। दोस्तों, एमएस वी ऑल्सो यूज एमएस फॉर अ लेडी हु हैज हायर पोजिशन इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी हायर पोजिशन पर कोई लेडी हो तो उसके लिए भी हम लोग एमएस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद मिस गुप्ता, यानी मेरी अपॉइंटमेंट है मिसेस गुप्ता के साथ, मिस गुप्ता के साथ। सो दोस्तों, इस तरह से मिस्टर, मिसेज और एमएस यूज किया जाता है। आई होप यू लर्नड इट। आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नमस्ते इंग्लिश।
आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन टिल देन टेक केयर.